सत श्री अकाल जी, वॉइस ऑफ पंज आप टीवी देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में देश में थां थां ते प्रदर्शन हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं। इसी तरह बनारस में कैंडल मार्च कर रहे विद्यार्थियों खिलाफ यूपी पुलिस ने FIR दर्ज की है। इस घटना की जानकारी संयुक्त किसान मोर्चा वालों सुरेश कौथ ने एक वीडियो जारी करते हुए दी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के लंका थाने में BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के 5 विद्यार्थियों खिलाफ पुलिस ने FIR दर्ज की है। जबकि पुलिस का कहना है कि विद्यार्थी बिना मंजूरी धरना प्रदर्शन कर रहे सन अते उन्होंने कोविड गाइडलाइंस की भी पालना नहीं सी की थी। होर की कहा है सुरेश कौथ ने तुहानू दिखाउंदे आ। आदरणीय किसान साथियों, अभी अभी एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण खबर हमारे पास पहुंची है। लखीमपुर खीरी की घटना के ऊपर बनारस के अंदर हिंदू यूनिवर्सिटी में BHU जिसके को कहा जाता है, कुछ छात्रों ने लखीमपुर खीरी की घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। इसी को देख करके FIR दर्ज करके पुलिस उनको गिरफ्तार कर रही है। क्या इस देश के अंदर प्रजातंत्र नहीं है? अरे हर आदमी का, हर नागरिक का अधिकार है, अगर कहीं दमन हो रहा है तो उसके ऊपर विरोध दर्ज करवाना। ये कोई, इन्होंने कोई वायलेंस नहीं किया, कोई कानून नहीं तोड़ा, उसके बावजूद इस तरह की हरकत है पुलिस क्यों कर रही है? हम इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस को चेतावनी भी देते हैं कि इसके ऊपर किसी तरह की FIR नहीं बढ़ती। कृपा आप ऐसे उकसावे की कार्रवाई ना करें और इन बच्चों को बिना शर्त रिहा करें। धन्यवाद। सुरेश कौथ ने यूपी पुलिस को चेतावनी दी है कि विद्यार्थियों ने किसी भी कानून की उल्लंघना नहीं की, इसलिए उन्होंने खिलाफ FIR नहीं बनती। कृपया यह उकसाने वाली कार्रवाई ना की जाए और विद्यार्थियों को रिहा किया जाए। तुसी की कहना चाहोगे कैंडल मार्च कर रहे विद्यार्थियों खिलाफ पुलिस वालों FIR दर्ज करने बारे? अपने विचार सानू कमेंटा राही जरूर दसना। देश दुनिया दी तमाम खबरां लई देखते रहो वॉइस ऑफ पंज आफ टीवी।